नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ज़्यादा पहाड़ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब का कुछ हिस्सा भी पहाड़ों से घिरा हुआ है और उसी में मौजूद है एक खूबसूरत मंदिर जिसका नाम है माता जयंती मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर सभी धर्मों के लिए हमेशा खुला रहता है। ये पंजाब का एक छोटा सा गाँव है, जयंती माजरा, वहीं पर मौजूद है। पंजाब के सभी धर्मों के लोग इस मंदिर में आकर नतमस्तक होते हैं। इस मंदिर की 360 सीढ़ियां हैं, जिसको चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। वहां पे जाकर ही आपको माता रानी के दर्शन हो पाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक डाकू ने करवाया था। आपको इस मंदिर की कहानी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक राजा का राज हुआ करता था। उसके बेटे की शादी कांगड़ा में एक लड़की से होना तय हो गई थी। जिस लड़की से उसकी शादी होना तय हुई थी, वो लड़की माता जयंती जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो कभी भी माता जयंती जी को वहाँ पे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो उस लड़की ने ये बात अपने पिताजी को बताई, तो उनके पिताजी ने माता जयंती की एक जोत उनकी डोली के साथ ही इधर भेजी थी, क्योंकि जब भी उस लड़की की डोली उठाने की कोशिश करते थे तो उसकी डोली वो उठा नहीं पाते थे। अगर उठाते थे तो डोली इतनी भारी हो जाती थी कि वो चल भी नहीं पाते थे। तो उस लड़की ने अपने पिताजी को बताया कि ये सब माँ जयंती जी के कारण ही हो रहा है, वो भी मेरे से अलग नहीं होना चाहती हैं। तो उन्होंने माँ जयंती की एक जोत की एक अलग से डोली तैयार करी, तब जाके वो दोनों डोलियां उठाकर यहां पर लेकर आए थे। जो माता जी की ज्योति लाई गई थी वो इस ऊपर पहाड़ में रख दी गई, जहां पर सभी लोग आकर नतमस्तक होते थे। दोस्तों, आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इस पूरे गांव में किसी का भी दो मंजिला घर नहीं है। अगर कोई भी दो मंजिला घर बनाता है तो उनके घर में अशुभ माना जाता है, उनके घर में कोई ना कोई अशुभ दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, तो तुरंत उनको जो अपनी दूसरी मंजिल होती है उसको गिराना पड़ता है। दोस्तों, ये मंदिर 600 साल पुराना है और 600 सालों से ही जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर आकर नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर हर शनिवार और एतवार को संगत ज़्यादा आती है और बाकी नवरात्रों के दिनों में भी जहाँ पर मेला लगता है, उसके अलावा फरवरी में भी यहाँ पर मेला लगता है। दोस्तों, अगर आप भी माता जी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आपको बस या ऑटो लेकर पहुंचना पड़ेगा मुल्लापुर। मुल्लापुर के पास ही एक आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है, उसको क्रॉस करते ही ये विलेज आपको दिखाई दे देगा। ये विलेज का नाम है जयंती माजरा। आप गूगल लोकेशन के हिसाब से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा भी उपलब्ध है और खाने के लिए लंगर भी यहाँ पर 24 घंटे चलता है। दोस्तों, इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व इस दीवार पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही दो बालकोनीज बनाए हुए हैं। दोनों बालकोनी पे खड़े होकर लोग आसपास के एरिए को शूट करते हैं। वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वही गांव है जयंती माजरा, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है जयंती डैम। ये एक पिकनिक स्पॉट है,
लोग फैमिली के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है। जो आसपास के लोग हैं सिर्फ उन्हें ही पता है या उनके रिश्तेदारों को पता है। इसलिए जहां पर भक्तों की भीड़ बहुत ही कम रहती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो जयंती माता जी का जो बड़ा मंदिर है वो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। वहीं से ज्योति लाकर जहां पर ये ऐतिहासिक मंदिर बनाया गया था। सो दोनों जगह मां जयंती जी की पूजा होती है और दूर दूर से भक्तजन जहां पर आकर दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, आप जब भी कभी चंडीगढ़ या पंजाब में आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मां जयंती जी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जिनको इस मंदिर के बारे में नहीं पता है उनको बताने के लिए ये वीडियो आप प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।